यार अगर आपका कोई छोटा सा चैनल है, जैसे मैं छोटा सा चैनल है, अगर कोई चैनल है फ्री फायर खेलते हो और आपको फ्री फायर का थंबनेल बनाना सीखना है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थंबनेल, तो गाइस मैं बता दूं, गाइस जो व्यूज है, जो सब्सक्राइबर होते हैं गाइस, वो लोग कैसे आते हैं, कैसे बढ़ते हैं गाइस? देखो, अगर आपके चैनल पे व्यूज़ आएंगे, अगर आपके चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे तो सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ेंगे? तो सबसे पहला क्या आता है, इंपॉर्टेंट होता है व्यूज़। तो व्यूज़ कैसे आएंगे? अगर आपका थंबनेल जो है अट्रैक्टिव रहेगा। तो गाइस वीडियो के अंदर गाइस जैसे आप जितने भी आप मेहनत करते हो वो वाइस मैटर करती है, वो तो करती है, लेकिन उसके बाद मैटर करता है गाइस थंबनेल। गाइस जब बंदा आपका वीडियो देखेंगे ही नहीं तो आपका इतना अच्छा वीडियो बना के क्या मतलब है, ठीक है? तो वीडियो को बंदे तक पहुंचाने के लिए और इंप्रेशन बनाने के लिए थंबनेल का, तो थंबनेल गाइस वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए और बहुत ज़्यादा क्लिकेबल होना चाहिए, ठीक है? तो गाइस आज आपको सिखाने वाला बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत एडवांस लेवल वाला थंबनेल गाइस, जो कि गाइस बहुत ज़्यादा ट्रेंड चलता है फ्री फायर में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी तरीके, लेट्स बिगिन। सो गाइस सबसे पहले आपको जिसमें बस मैं बता रहा हूँ गाइस, बस दो एप्लीकेशन जो पढ़ने वाली है, इसका नाम है पिक्सल लैब और जो सेकंड वाला है उसका नाम है पीएस टच, मतलब पीएससीसी, ठीक है? तो सबसे पहले आपको पीएस पिक्सल लैब में आ जाना है एंड आपको जो भी टाइप को टेक्स्ट लिखना है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को लिखना है वेलकम बैक, ठीक है? तो मैं आपको जो भी आपको टेस्ट लिखना है आपको वहाँ पर लिख, जैसे आपको जो भी आपको लिखना है टेस्ट आपको लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता गाइस वेलकम बैक, ठीक है? वेलकम बैक, ओके, वेलकम बैक मैं लिख दिया। इसका जो फॉन्ट है, उसको जो फॉन्ट है उसको दे देना है म्यूरोसेंट। ऐसे आपको पता नहीं आपको फॉन्ट कैसे इंस्टॉल करना है आपके पिक्सल लैब में, तो अब बता दीजिएगा, मैंने वीडियो डाल चुका है, ठीक है? आप जाके देख लीजिएगा, चैनल पर वीडियोज़ है। आपको ए बी फॉन्ट में जाना है एंड आपको जो माय फॉन्ट में, देखो मैंने कैसे ऐड करना है अपने खुद के फॉन्ट्स, मैंने आपको बता रखे है, ठीक है? तो ये मेरा ये जो फॉन्ट है रोड रेज वाला, इसको मैं ऐड करना आपको, यही मतलब ये ज़्यादा अट्रैक्टिव और कूल लगता है, ठीक है? तो ये वाला ऐड करेंगे अपन, ठीक है? एंड फिर क्या करना है, इस पर जाना है ये वाला ऑप्शन पे, ट्रांसफर पे क्लिक कर देना एंड देन क्या करना है, आपको जितना भी टेक्स्ट लिखना है आपको सब ऐसे कर देना, ठीक है? जैसे मुझे अब तक एक ही टेक्स्ट लिखना है, मुझे बस सबको एक्सप्लेन करना है, तो मैं एक ही टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैं वेलकम बैक लिखूंगा बस। एंड फिर इसको क्या करना है, सेव कर लेना है, सेव एज इमेज, सेव टू गैलरी। तो कैसे भी हमारा काम हो चुका है पिक्सल लैब में, अभी हमको चलना है पीएससीसी में, ठीक है? लेट्स गो। आप देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं हमारे एडोब फोटोशॉप टच में। तो अगर जब देखो तो मैं जितने भी थंबनेल बनाता हूँ सब यहीं से बनाते हो, अगर बहुत अट्रैक्टिव तो थंबनेल बनता है। क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एलएलपी चले पे क्लिक करना है, ब्लाइंड रिक्वायरमेंट लेना है और जो थंबनेल का रेशियो होता है पता क्या होता है, एचडी थंबनेल ना, एचडी ऐसा वो नहीं होता, बताऊँगा एचडी थंबनेल, एचडी वाला 1920x1080, ओके ओके पे क्लिक कर देना। आपको जो एचडी वाला आ चुका है इसमें एचडी बनता है, ठीक है? मैं मजा ही नहीं कर रहा हूँ, इसमें एचडी थंबनेल। तो क्या आपको क्या करना है, अभी ना आपको मैं बताऊँगा इसकी, आपको जैसा बनाना हो, ठीक है? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर इसको थंबनेल का बहुत ज़्यादा क्वालिटी होती है, मतलब अलग अलग थंबनेल की भी अलग अलग क्वालिटी होती है, मतलब कैसा वर्सेस बनाना है कैसा ना, तो मैं भी आपको सिखाता हूँ, मतलब थोड़ा सा अलग टाइप का बना के दिखाता हूँ, ठीक है? तो क्या करना है, आपको जो है कोई भी एक फ्री फायर का कोई भी एक वो ले लेना है बैकग्राउंड, ले लेना बैकग्राउंड, ठीक है? मैं अभी ऐड कर लेता हूँ हमारे फोटो गैलरी से, आपको क्रोम पर इजीली मिल जाएगा, ठीक है? तो ये देख सकते हो ये वाला जो मैंने इसको डाउनलोड किया है क्रोम से एंड इसको मैं आपको इसको ऐड कर लेना है एंड जो पूरा बड़ा कर लेना है, पूरा इतना बड़ा, ठीक है? एंड डन पे क्लिक कर देना है। एंड अभी क्या करना है, मैं आपको बहुत ज़्यादा मेन जो चीज़ है, मतलब कि गाइस जो कि इसीलिए मैं थंबनेल बना रहा हूँ, जो कि आपको सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपको, जितने भी बंदे का वीडियो देते होगा सब लोग यही करते हैं। क्या करते हैं, देखो आपको क्या करना है, कहीं पर भी ड्रैग करना है, ठीक है? अरे पहले आपको मार्किंग सिलेक्शन टूल ले लेना है एंड स्क्वायर वाला एंड जो है ना इसका हाफ पार्ट जो है ना, हाफ पार्ट है ना, आपको अलग अलग करना है। तो क्या करना है, इस पर क्लिक करके प्लस लेयर पे क्लिक करके लेयर फ्रॉम सिलेक्शन कर देना है, नीचे लेयर पे आके यहाँ पर क्लियर कर देना है, ठीक है? एंड फिर देखो दोनों अलग अलग हो चुका है, ठीक है? एंड क्या करना है, आपको नीचे लेयर पे रहना है एंड यहाँ पर आपको जाना है एफएक्स में, ठीक है? फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है टिंट पे, जैसे तो जो कलर बदल जाएगा, ठीक है? तो अभी क्या करना है, अभी आपको जो भी आपको कलर देना है, जैसे मुझे यहाँ पर देना है रेड टाइप, मैंने रेड डाल दिया, ठीक है? एंड आपको जो भी आपके हिसाब से इल्यूमिनेटरी कम कीजिए, आपको जितना चाहिए रहेगा, जैसे मुझे फुल ही चाहिए, मतलब ज़्यादा हो गया, ठीक है? मुझे इतना चाहिए 65 और इंटेंसिटी तो पूरी रहने देते, ठीक है? 6500 कर लीजिएगा, दम पे क्लिक। अभी क्या करना है, ऊपर लेयर में आना है, ठीक है? इसको भी वही सेम करना है, टिंट पे जाना है और आपको इसको थोड़ा अलग कलर देना है, ठीक है? अलग कलर जो भी आपको अलग कलर देना है, ठीक है? जैसे मैं ये दूंगा कि तो थोड़ा डिफरेंट कलर लेते, ये नहीं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया, ये भी देख सकते हो बहुत ऊँचा लग रहा है कि नहीं? अभी इतना हो गया, देखो इसके करने का मतलब क्या पता है,
देखो तो इस साइड जो रेड टाइप है वहाँ पर आपको ऊपर कैरेक्टर खड़ा रहेगा, एंड ये जो इस टाइप है राइट हैंड साइड यहाँ पर आपका टेक्स्ट रहेगा वेलकम बैक, जो मैंने लिखा है आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है आप वो लिख सकते हो ठीक है। एंड क्या कहते हैं गाइस, वीडियो जो थोड़ी लंबी हो रही है मुझे पता है, नहीं सबको गाइस अगर आपको अच्छे से समझाना है इसलिए मैं यानी वीडियो बना रहा हूँ, फुल डिटेल वीडियो है ठीक है, पूरी वीडियो देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, कुछ भाई कुछ भी स्किप मत कीजिए, एक 10 मिनट देख लो ठीक है क्या चलता है, एंड आपको क्या इसे पूरा समझ में आ जाने वाला अगर आप अच्छे से देख लेते हो तो ठीक है। ना अभी देखो हमारा पीछे पूरा बैकग्राउंड का काम तो हो चुका है, अगर आप क्या करना है एक क्लास का बाकी है FS में जाना है ठीक है, FS में जाना है आपको। देखो यहाँ पर चाहे ना आप ये लाइटनिंग वाला जो ऑप्शन है ये आप उसको दे सकते हो, मतलब थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा अपने को, तो क्या करना है बस जो ग्लो है बस बीच में आएगा ठीक है, देख सकते हो इतना और बढ़िया सा लग रहा है। एंड अभी आप चाहे तो उसको थोड़ा सा और ग्लो देना चाहते हो तो ग्लो दे सकते हो, ग्लो किसी तरह आपको मैं दिखा देता हूँ, इस पर डुप्लीकेट लेयर ले लेना, डुप्लीकेट लेयर ले लो और फिर इसको लेयर डाउच कर दो ठीक है, इससे और ज़्यादा ग्लो आ जाएगा। लेकिन अगर आपको करना है तो इसे ज़रूरी नहीं है ठीक है, इसे मुझे नहीं करना है ठीक, तो मैं मुझे ऐसे ही रखना है ठीक है, तो बस क्या अपना तो जो कलर है अभी हम लोग को यहाँ पर टेक्स्ट भी करना है इसीलिए। तो देखो मैं आपको हर एक चीज़ मतलब डिटेल में बता रहा हूँ ठीक है, ताकि आपको जो चीज़ समझ में आ जाए। एंड भैया करना है आपको जो भी कैरेक्टर है ठीक है, आपको जो इस कैरेक्टर लेने आता है मतलब जो होता है ना कैरेक्टर PNG आपको डाउनलोड कर लेना, कैसे करना है मैंने वीडियो बना रखी है, मैंने बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया है किसके से डाउनलोड करना है, पिक्सेल में जाना है वहाँ पर आपको सर्च करना है, स्टिकर में जाकर सर्च करना है फ्री फायर, और कैसे बहुत ज़्यादा आपको कैरेक्टर वहाँ पर मिल जाते हैं तो आपको उसको ऐड करना है, कैसे ऐड करना है पैसे पर क्लिक करके फोटो लाइब्रेरी, फोटो लाइब्रेरी पर क्लिक करके आपको जो है वाला कैरेक्टर ऐड जैसे मैं भी ऐड कर लेता हूँ ओके। अगर देख सकते हो जैसे कि मैं ये ऐड कर रहा हूँ ठीक है, एंड अभी ये देख सकते हो इसको आपको थोड़ा बड़ा करना है, बिकॉज थोड़ा बड़ा रहना चाहिए ठीक है, एंड फिर क्या करना है इसको ऐसे गरी रहने देना है एंड प्रेस पे क्लिक कर देना है, देख सकते हो हमने इसको ऐड कर लिया है। एंड अभी क्या करना है आपको बता दूँ, देखो अभी ना हमको जो एक कैरेक्टर के बारे में काम करना है, कैरेक्टर के ऊपर जो इसको थोड़ा सा स्ट्रोक स्ट्रोक देना है, तो कैसे करना है एक एम्प्टी पैसा सब इसका सेलेक्ट पिक्सेस का लेना है एंड देन एक एम्प्टी लेयर लेनी है, एंड फिर अब एंड में जाके इसको आपको जो फील स्ट्रोक कर देना है, जो स्ट्रोक देना है और आपको जो स्ट्रोक है इस बहुत ज़्यादा पतला देना है ठीक है, बहुत पतला देना है क्योंकि ज़्यादा मोटा जो है अच्छा लगता नहीं है, तो स्ट्रोक को दे देना है 1 का एंड डन पे क्लिक कर देना है। एंड फिर जो कलर है आपको देखो वही जो भी आपको कलर देना है अलग कलर दीजिएगा ठीक है, अलग मतलब जो पीछे कलर है वही दे दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगता है ठीक है, जैसे पीछे जो कलर है मैंने वो दे दिया है ठीक है, तो मतलब दिख रहा नहीं है तो काम करते हैं अपन ऑरेंज देते हैं, तो वो भी नहीं दिख रहा है तो काम करते हैं हम लोग जो है ना इसे रेड दे देते हैं, तो अलग अलग देंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा इसीलिए हम लोग काम करते ना रेडी रेडी दे देते हैं ठीक है, क्योंकि रेड पे रेड ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज पता है वरना कुछ मतलब नहीं देखे, तो इतना हो गया है। एंड क्या करना है स्ट्रोक कर दिए ना, क्या करना है अपने को इसको ना लीनर डॉच करना है, लेयर ऑप्शन पर क्लिक करना है, ब्लाइंड मोड लीनर डॉच ऐड कर देना है, FS में जाना है, ग्लो पर क्लिक करना है एंड जो ग्लो आपको रेडी देना है ठीक है, एंड जो ब्लर थोड़ा बढ़ाना है और इंटेंसिटी भी थोड़ी मतलब घटानी बढ़ानी है, दिख तो नहीं रहा अभी दिखेगा टेंशन मत लीजिए, डुप्लीकेट करते हैं डुप्लीकेट दिखेगा अभी ओके, वहाँ रहा है पीछे सेम टू सेम कलर है सिर्फ दिख रहा नहीं है देखोगे, तो इतना हो चुका है अभी आपको सबको मर्ज कर देना है, मर्ज ऑन ठीक है, जैसे तो पीछे तो बढ़िया सा ग्लो आ चुका है। एंड अभी अब बात करते हैं टेक्स्ट के बारे में, टेक्स्ट कैसे करना है, इस टेक्स्ट के लिए आपको जो आपको सबसे पहले टेक्स्ट एड्रेस में बहुत सारा काम बाकी है, आपको अगले वीडियो में भी अब थोड़ा सा आपको अलग अलग वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि गाइस एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, इस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है इसीलिए,